अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद नासिर हुसैन साहब का था, जो हमारे राज्यसभा में मुख्य सचेतक भी हैं, एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य सारांश है कि ये सरकार आज से टेक्सटाइल गुड्स जो है उस पर सभी पे टैक्सेस बढ़ाए हैं, घर के डेली यूज के सामान पे टैक्स बढ़ाई है, जिससे वजह से आप लोगों के माध्यम से हम जनता को आगाह करना चाहते हैं कि जो सरकार गरीबों की सरकार कहती थी, हर हर मोदी घर घर मोदी की बात करती थी, वो मोदी आज घर घर महंगाई पहुंचा दी है। आज कांग्रेस पार्टी के दबाव में टेक्सटाइल पे तो टैक्स बढ़ाने को पोस्टपोन्ड किया है, लेकिन बाकी जूता से लेकर जितनी सामग्री है उस सब पे टैक्स और जीएसटी उन्होंने बढ़ाई है। लेकिन मुझे भरोसा है कि चुनाव ज्यों ही 5 राज्य का खत्म होगा तो यह सरकार फिर टैक्स का बोझ इस जनता पे डालेगी, क्योंकि हर पुराना साल का खट्टा और मीठा अनुभव होता है, लेकिन यह बीते हुए साल नरेंद्र मोदी जी के कारण, उनके नीतियों के कारण खट्टा और तीखा रहा, लेकिन जो यह साल शुरू हो रहा है वह खट्टा और तीखा के साथ साथ जनता के लिए बोझिला भी होने वाला है। इसी संदर्भ में आज सैयद नासिर हुसैन साहब ने आप लोगों के समक्ष जनता के लिए इन बातों को रखा है। अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को जो सालाना मिलने वाला जो धन 6,000 रुपये में से कुछ राशि उनको दे दिया है, जारी किया गया है, ये किन किन किसानों को बिहार में मिला? सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी से अब तो बात करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते कई प्रमुख बातें बोली थी, जिसमें आज तक कोई पूरा नहीं हुआ, लेकिन 2-3 बातें हैं कि उन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगुनी होगी। 22 तो आज से प्रारंभ है, किन किसानों का आय दुगुनी हुई, वो आधे से भी कम कर गया। उन्होंने कहा था कि 2022 में सभी लोगों को पक्के का मकान होगा। इधर पटना में झोंपड़ी दिखाई दे रहा है, किनका पक्का का मकान बना? तो प्रधानमंत्री जी अपने ही भाषण का एकाध बार अवलोकन करें और देश के जनता से माफ़ी मांगें। अगर खड़े नहीं उतरे हैं तो राजनीति से संन्यास लें, लेकिन झोला लेके नहीं भागे। किसान सम्मान निधि का बिहार में किसानों को लाभ मिल रहा है? देख, किसान निधि किसान को लाभ पहुंचाने वाला बात आज से नहीं है, यूपीए कार्यकाल में, प्रथम कार्यकाल में किसानों का जितना लोन था मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने सबको माफ किया था। आज तो वही हम लोग कह रहे हैं कि आप भी किसानों का जितना लोन है वो सबको माफ कीजिए। तो अडानी अंबानी का लोन माफ होगा, उद्योगपतियों का लोन माफ होगा, और किसान को सम्मान निधि पे बात करके बात खत्म हो जाती है। पिछले ही बार घोषणा क्या सभी किसान निधि को किसानों का पैसा मिला? नहीं मिला। और किसान निधि से आवश्यकता ज़्यादा है कि किसानों को आज बिहार में खाद क्यों नहीं मिल रहा है? एक बोरे की कीमत जितनी है उसके 4 गुने कीमत पर खरीदने को मजबूर क्यों है बिहार के किसान? खाद बिहार को जितना चाहिए उसका 1/4 भी बिहार को उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो जो नरेंद्र मोदी जी कहे थे 2022 में किसानों के आय दुगुना होगा, क्या हुआ? सबको पक्के का मकान होगा, कहाँ बना? पटना में झोपड़ी दिखाई दे रहा है, गुजरात में झोपड़ी दिखाई दे रहा है, जो बाहर के राष्ट्रपति आते हैं तो दीवार से उस झोपड़ी को ढकते हैं। प्रधानमंत्री झोपड़ी को आप दीवार से ढक दीजिएगा, ईमान को किससे ढकिएगा? थोड़ा ईमान बचा के रखिए। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।